तहरीक इंसाफ दिसंबर में दोबारा आ रही है। तहरीक इंसाफ का दिसंबर में दोबारा कप्तान को नुकसान पहुंचाना इतना खतरनाक है कि जिससे हुकूमत किसी सूरत में भी संभाल नहीं सकेगी। और हुकूमत के अंदर अब ये बहस जारी है। एक तो आपको ब्रेकिंग न्यूज ये देनी थी कि कप्तान दोबारा अडियाला जेल आ गया है। अब एक आखिरी कोशिश की जा रही है कि बुशरा बीबी को किसी तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राना अज़ीम और आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज और टिकटॉक। अडियाला जेल से एक बड़े कैदी को कहीं ले जाया गया, यानी बारी तहरीक इंसाफ को अडियाला जेल से कहीं ले जाया गया। उसके बाद कई रोज तक बानी तहरीक इंसाफ की मुलाकात ना करवाई गई। बहाना यह बनाया गया कि जनाब वो पुलिस की हिरासत में है, जेल के अंदर ही है। पुलिस ने एक लैदा अपना हिरासती सेल बना रखा है जहां पर उनसे इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इस पर इंतहाई तशवीश का इजहार किया गया। शहबाज गिल साहब ने इस पर बड़ी खुल के कहा कि इमरान खान की जान को खतरा है। इसके अलावा इमरान खान के वकला ने भी इस पर आवाज उठाई। इमरान खान की टीम के अहम तरीन साथियों ने भी इस पर आवाज उठाई, जिसके बाद दो दिन मुसलसल अडियाला जेल के बाहर कंटेनर लगाए गए, अडियाला जेल के बाहर मूवमेंट देखी गई। लेकिन अब आपको एक बड़ी अहम तरीन और ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं। रात 3:15 बजे यानी सहरी के वक्त अचानक अडियाला जेल के बाहर 5 गाड़ियां जाती हैं और अहम तरीन जराए कहते हैं कि उन 5 गाड़ियों में से एक गाड़ी में से 3 अफराद को उतारा जाता है जिन्हें जेल मुंतकिल किया जाता है। जेल जराए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बानी तहरीक इंसाफ उनको भी एक गाड़ी से उतारा जाता है और उसके बाद उन्हें भी जेल के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। यानी बानी तहरीक इंसाफ अडियाला जेल पहुंच गए हैं। जब इस हवाले से मैंने सुबह हुकूमती हलकों से बात की तो उन्होंने इस बात की तर्दीद की। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैंने एक सवाल किया कि अगर ऐसी बात नहीं है तो रात अचानक अडियाला जेल की सिक्योरिटी हाई अलर्ट, अडियाला जेल जाने वाले रास्तों को बंद, अडियाला जेल के इर्द गिर्द कंटेनर लग जाना 3 दिन से यह मुसलसल क्यों हो रहा है? तो मेरे पास अहम तरीन इतला यह है कि इमरान खान को दोबारा अडियाला जेल ले आए हैं। इमरान खान इतने दिन कहां रखा गया? कप्तान से क्या सलूक रवा रखा गया? कप्तान से क्या पूछा गया? कप्तान के साथ क्या डील हुई और कप्तान के साथ क्या डील करने की कोशिश की गई? एक बात तो बड़ी क्लियर और वाजे है कि इमरान खान किसी सूरत में भी ना डील करेंगे और ना ही इमरान खान किसी सूरत में झुकेंगे। ये बात बड़ी क्लियर और वाजे है। एक बात जो इंतहाई तशवीशनाक थी, जिसके हवाले से बड़ी चैमगोइयां थी, और वो बात यही थी कि इमरान खान अडियाला जेल में नहीं है। इसकी तस्दीक हो चुकी है, लेकिन अब तस्दीक ये इस बात की भी हो गई है कि इमरान खान को दोबारा अडियाला जेल ले आए हैं। एक बड़े अहम तरीन जराए तल्लक उनका जेल से है, जेलखाना जाज से। उन्होंने मुझे इस बात की तस्दीक की है कि कप्तान इस वक्त दोबारा जेल में आ चुका है और उन्होंने इस बात की भी तस्दीक की है कि कप्तान को नुकसान पहुंचाना इतना खतरनाक है कि जिससे हुकूमत किसी सूरत में भी संभाल नहीं सकेगी। और हुकूमत के अंदर अब यह बहस जारी है कि हम इमरान खान को किसी सूरत में भी खत्म नहीं कर सकते। इमरान खान पर जितनी सख्ती करते हैं, इमरान खान पर जितना जुल्म करते हैं, इमरान खान के साथ जितनी ज्यादती की जाती है, उतनी ही अवाम के अंदर उनकी शोहरत में, अवाम के अंदर उनकी मजलूमियत में ना सिर्फ इजाफा होता है बल्कि अवाम के अंदर हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी नफरत पैदा होती है। एक तो आपको ब्रेकिंग न्यूज ये देनी थी कि कप्तान
दोबारा अडियाला जेल आ गया है। कप्तान को दोबारा रात के अडियाला जेल ले आए हैं। अगर कप्तान नहीं था तो फिर अडियाला जेल में रात गए आने वाले कौन थे? इतनी सिक्योरिटी किसके लिए लगाई गई? क्या कोई और कैदी भी है? तो जवाब इसका यह है कि और कैदी कोई नहीं है, बानी तहरीक के इंसाफ ही है। अब मैं एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको देने जा रहा हूं। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि एक कोशिश की गई बुशरा बीबी की गिरफ्तारी, जो नाकाम हो गई। फिर एक और कोशिश की गई, वो भी नाकाम हो। अब एक आखिरी कोशिश की जा रही है कि बुशरा बीबी को किसी तरीके से ट्रैप में लाकर गिरफ्तार किया जाए। वो ट्रैप क्या होगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सदका सराचार कहते हैं कि बुशरा बीबी की बहन को ट्रैप में लाया जाएगा, जो आजकल बुशरा बीबी के हवाले से इंतहाई मुतहर्रक नजर आती हैं, और उनके जरिए बुशरा बीबी तक पहुंचा जाएगा और बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जाएगी। ये एक बहुत बड़ी साजिश तैयार हो रही है ताकि तहरीक इंसाफ की क्यादत, तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं पर इस हवाले से बड़े इल्जाम लगाए जा सके। एक और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको दे दूं, केपीके असेंबली में होने वाली तकारीर आपके सामने है, केपीके असेंबली में होने वाली गुफ्तगू आपके सामने है। तहरीक इंसाफ के अंदर पैदा ग्रुपिंग चूंकि खत्म हो चुकी है और सारे अब इस बात पर मुत्तफिक हो चुके हैं कि हमने कम बैक करना है और बड़े बेहतरीन तरीके से करना है। दूसरी तरफ एक लेटर जो शाह महमूद कुरैशी और असीराने जेल जो लाहौर में कैद हैं, उन्होंने एक लेटर लिखा है तहरीक इंसाफ की क्यादत को, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग उनके इस सानिया में अपनी जिंदगी की बाजी हार गए, उनके लिए बाकायदा योम शोक के साथ साथ एक तहरीक चलाई जाए, गली मोहल्लों में अपनी जमात को मुतहर्रक किया जाए और एक भरपूर तरीके से मुनज्जम तरीके से जमात अपना काम तेज करे। ये लेटर आपके सामने आपको नजर आ रहा है जो शाह महमूद कुरैशी, इजाज चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर चीमा, मियां महमूदुर रशीद, इन लोगों की तरफ से जो लेटर जारी किया गया है। अब आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं, जिस ब्रेकिंग न्यूज ने हकूमत को हिला के रख दिया है। ब्रेकिंग न्यूज यह है कि दोबारा इस्लामाबाद, पिंडी या किसी और करीब तरीन मकाम पर एक बड़ा जलसा करने का फैसला हो चुका है। तहरीक इंसाफ दिसंबर में दोबारा आ रही है। तहरीक इंसाफ का दिसंबर में दोबारा आने का फैसला कर लिया गया है और अब तहरीक इंसाफ दिसंबर में एक नए तरीके से आएगी। अब अटक पुल का इस्तेमाल नहीं होगा, अब 26 नंबर चुंगी का इस्तेमाल नहीं होगा। अब तहरीक इंसाफ अपना सारा जोर पंजाब से लगाएगी और उसके बाद एक नए तरीके के साथ कश्मीर जीबी और कहां कहां पर निकलना है, किस तरीके से निकलना है, और ये 13 रोजा एक प्लान होगा और उस प्लान पर अमल किया जाएगा। बड़े अहम तरीन जरा इस बात का इंकशाफ कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ अब दोबारा दिसंबर में, वस्त दिसंबर में एक बड़ा सरप्राइज देने जा रही है। हकूमत तक ये बात पहुंच चुकी है और कई हकूमती हलकों में ये बात डिस्कस हो रही है कि इन तमाम चीजों से बचने के लिए बानी तहरीक इंसाफ को रिहा किया जाए, तभी हकूमती हलकों के अंदर से रहाई की बातें, आवाजें आना शुरू हो गई। एक और चीज, बहुत से लोग जो ख्वाब गरगोश के मजे लूट रहे हैं और सोच रहे हैं कि शायद तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, तो उनके लिए इतना ही काफी है
कि तहरीक इंसाफ के जान की बाजी हारने वाले कारकुन उनकी नमाज जनाजा मैंने देखी है। मैंने उनके जनाजे तहरीक इंसाफ के परचम में लिपटे हुए देखे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासी जमातें कभी खत्म नहीं होती, ये ख्वाहिश रह जाती है और कभी इस ख्वाहिश पर अमल नहीं होता। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।